श्रावण मास की तो सावन का पहला दिन भगवान शिव के नाम से गूंज उठा। झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम से लेकर हरिद्वार तक भोले के भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। शिवालयों में सुबह से ही भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए भक्त निकल पड़े हैं। हर तरफ भोलेनाथ के जयकारे की गूंज सुनाई दे रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रावण मास की शुरुआत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में हुई। बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में श्रावण के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा की भस्म आरती का लाभ लेने महाकाल मंदिर पर पहुंचे। सुबह 3 बजे बाबा के पट खोले गए। इसके बाद बाबा पर जल चढ़ाया गया और फिर महाकालेश्वर का दूध, घी, दही, शक्कर, शहद से पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद बाबा का श्रृंगार कर भस्म आरती की गई, जो करीब 1 घंटे तक चली, जिसके बाद बाबा का मनमोहक विशेष श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। तो ये बाबा महाकाल के दरबार की तस्वीरें हैं, बाबा महाकाल के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। उज्जैन की ये तस्वीरें, कमोबेश ऐसे ही स्थिति लगभग सभी शिवालयों में देखने को मिल रही है, क्योंकि मौका भी खास है। आज से श्रावण मास का पवित्र जो पर्व है, इसकी शुरुआत हो चुकी है और सभी शिवालय हर हर महादेव की गूंज से यहाँ पर जयकारे लगाए जा रहे हैं और इससे गूंज उठा है हर एक शिवालय। बहरहाल ये उज्जैन की तस्वीर है। भक्तों का मंदिर पर पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही जारी है। लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ बाबा के दरबार पर पहुंच रहे हैं, बाबा भोलेनाथ के दरबार पर पहुंच रहे हैं और विशेष श्रृंगार भी आज भोले बाबा का किया गया है। तो श्रावण में भोले बाबा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवालयों पर पहुंच रहे हैं। बम बम भोले की गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है। और चलिए, अलग अलग शिवालयों में क्या कुछ स्थिति है और कैसे यहाँ पर माहौल दिखाई दे रहा है, भक्तों में कितना उत्साह है आज के इस दिन विशेष को लेकर, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, मंदसौर, ग्वालियर, वाराणसी और जबलपुर की ओर हम आपको लिए चलेंगे। सबसे पहले जबलपुर की ओर बढ़ते हैं, संजय हमारे साथ में बने हुए हैं। संजय, क्या स्थिति अभी आप शिवालयों पर देखने पा रहे हैं, क्योंकि आज से विशेष दिन की शुरुआत हो चुकी है? जी बिल्कुल, श्रावण मास की आज से शुरुआत हो चुकी है। और जबलपुर की बात करें तो जबलपुर को संस्कार धानी कहा जाता है, न्याय धानी कहा जाता है और आध्यात्मिक नगरी के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि जबलपुर से नर्मदा जी बहती है और नर्मदा जी का हर कण संकर माना जाता है। तो कह सकते हैं कि नर्मदा जी की विशेष कृपा जबलपुर के ऊपर बनी हुई है। अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के गुप्तेश्वर धाम में। इस गुप्तेश्वर धाम की अगर हम बात करें तो इनकी जो स्थापना है वो भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान की थी। नर्मदा जी की रेत लाके यहाँ पर उनकी स्थापना की थी। यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का मेला लगा हुआ था, पट बंद होने के बाद भी भक्त निरंतर यहाँ पर आ रहे हैं। श्रावण मास की क्या तैयारियाँ इसको लेके हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के व्यवस्थापक स्वामी मुकुंद दास जी महाराज। हम उनसे ही चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या श्रावण मास की तैयारी। महाराज जी, गुप्तेश्वर धाम की बात करें तो क्या तैयारियां यहाँ पर श्रावण मास में की गई? श्रावण मास में चूंकि शाम के टाइम विशेष रूप से जो प्रतिदिन यहाँ पर नित्य नूतन दिव्य श्रृंगार होते हैं, तो प्रशासन के द्वारा भी व्यवस्थाओं का आग्रह कर लिया गया है, जिसमें कि महिला पुलिस और पुरुष जो सुरक्षा बल है, यातायात विभाग है, यहाँ पर साफ सफाई के लिए नगर निगम के द्वारा सभी से आश्वासन भी प्राप्त हो गया, उनकी तैयारियां भी चल रही। और हमारे यहाँ के स्वयं कार्यकर्ता और आचार्य पंडित जीगण जो हैं, जो भगवान का रुद्राभिषेक करवाते हैं, सहस्त्राचन कराते हैं, इन सब की विधिवत पूरी तैयारियां, समय सारणी और जो श्रृंगारों की लिस्ट सब बन गई है। और आज ही शाम से भगवान का श्रृंगार होगा और आज श्री गणेश होना है, इसलिए भगवान शिव के जो पुत्र हैं गणेश, उनके स्वरूप में ही आज गुप्तेश्वरनाथ श्रृंगार आरती होगी। बात करें, 2 साल कोरोना काल रहा है, इस बार कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं? निश्चित ही ये दैविक प्रकोप जो आदि दैविक और भौतिक प्रकोप जो कहलाते हैं, उसमें ये दैविक प्रकोप ही है प्राकृतिक रूप से, और उसका अक्षरशः लोगों ने प्रोटोकॉल का पालन भी किया और फिर भी यहाँ से श्रृंगार होते थे, भगवान का अभिषेक होता था और भक्तों को जो ऑनलाइन की सुविधा थी उसको भी लोगों को दर्शन कराया जाता था। लेकिन इस वर्ष अब हम उससे मुक्त हुए हैं, तो उससे निश्चित ही लोगों का जो उत्साह बढ़ा है, लोगों की जो श्रद्धा है उसका अति एक दिख रहा है कि जो हजारों में आते थे इस बार होता है उसका 10 गुना बढ़ के आए भक्त लोग। अभी भी आ रहे हैं, पट बंद है, लेकिन आप देख रहे हैं भक्तों का आना जाना अभी निरंतर चल रहा है। इसलिए इस वर्ष का सावन महोत्सव और भी धूमधाम से मनाया जाएगा भक्तों के श्रद्धा अनुसार।
तो देख सकते हैं कि ये स्वामी मुकुंददास जी महाराज हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार जो है कोरोना की जो गतिविधियां थी वो समाप्त हो चुकी हैं, अब स्थितियां जो हैं वो बदल चुकी हैं और भक्त जो हैं वो लगातार यहां पर आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि जबलपुर की संस्कारधानी जो है इस बार शिवमय हो जाएगी। जी चलिए बिल्कुल, तो जबलपुर की राजधानी में खासा उत्साह यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। अब आपको वाराणसी लिए चलते हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी, जहाँ से हमारे साथ में सहयोगी धर्मेंद्र चौबे जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे पवित्र नगरी बाबा की यहाँ कितना उत्साह श्रद्धालुओं में आज के इस विशेष दिन पर। देखिए, लगभग 4 बजे से काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती के बाद जो काशी विश्वनाथ के चारों गेट है उनको खोल दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो, सहजता से दर्शन कर सके। क्योंकि इसके पहले प्रधानमंत्री आए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ, उन्होंने काशी विश्वनाथ को लेके खासा कांवरियों को लेके इंतजाम करने की बात की है और उस हिसाब से जिला प्रशासन ने पूरी कोऑर्डिनेशन के हिसाब से तैयार किया है। पूरी काशी को दिव्य काशी, भव्य काशी, नव्य काशी की तहत पूरी काशी को सजा दिया गया है। कांवरियों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। कांवरियों के लिए जगह जगह पंडाल, प्रशासन की पंडाल लगाई गई है ताकि उनको गर्म पानी, मेडिसिन, मेडिकल केयर सेंटर, तमाम कोविड गाइडलाइन का जो पालन करने के लिए कोविड हेल्प डेस्क, तमाम चीजों की व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की असुविधा किसी कांवरिया को न हो सके। कहीं ना कहीं जो काशी का महत्व है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में बाबा विश्वनाथ का खास महत्व है। काशी हर हर महादेव के नारों से सदैव गूंजती है, लेकिन सावन का कुछ ऐसा महत्व और ऐसा पर्व होता है जो शिव और शक्ति की आराधना करता है। यहाँ पे मोक्ष, फल और धन की, पुत्र की प्राप्ति होती है। तो कहीं ना कहीं जो काशी की ये सावन मास है, काशी पूरी दिव्य और नव्य भव्य दिख रही है। जी चलिए बिल्कुल, तो काशी को पूरे सुंदर तरीके से यहाँ पर सजा दिया गया है इस नगरी को, और यही वजह है कि हर तरफ में, चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। अब मंदसौर की ओर बढ़ते हैं, कमलेश हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। कमलेश, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि लगभग पिछले साल को अगर याद करें तो एक लंबे समय के बाद में इस बार श्रावण मास का असर और एक उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं में, क्योंकि एक लंबा गैप भी हो गया था कोरोना काल के चलते। इस बार जब श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर सक रहे हैं तो ऐसे में कितना और कितना उत्साह भक्तों में आज? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको और अपने पूरे तमाम INS के दर्शकों को जो है श्रावण मास की शुभकामना देना चाहूंगा। जिस तरीके से श्रावण मास के जो हिंदू समाज में कहने के श्रावण पर्व जो है, श्रावण मास का पर्व जो है वो कहने के शुभ माना जाता है। मेरे पीछे जो देख सकते हैं बाबा भगवान अष्टमुखी जी की है, विश्वविख्यात अष्टमुखी जी भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा है, दिव्य प्रतिमा है। चारों मुख अपनी है, अलग अलग व्यथा को दर्शाते हैं। बात की जाए भक्तों में जितना उत्साह भक्तों में, लोग कोरोना के 2 साल के बदले के बाद में काफी लोगों में उत्साह भी है। श्रावण मास का ये पहला पर्व है कि जहाँ भक्त गर्भ के अंदर जाकर भगवान को जो है दूध जल जो है वो अर्पण कर सकेंगे। भगवान को जो है दूध दही दही जल आदि से भगवान का श्रृंगार और जो है अभिषेक कर सकेंगे, तो लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने खासकर श्रावण मास में गर्भगृह में जाने के लिए भक्तों को अनुमति दे दी है। निश्चित तौर पर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सवेरे 5 बजे से ही यहाँ पर मंगला आरती के बाद में जो है भगवान के पट खुले हैं। पट खुलने के बाद में करीब करीब सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर वैसे तो दूर दूर से आते ही हैं, मगर श्रावण मास में यहाँ पर लोगों की जो आस्था वो काफी बढ़ भी जाती है। बाबा पशुपतिनाथ की जो कांवड़ यात्रा है वो उज्जैन, दूर दूर से जो कांवड़ यात्री आते हैं वो भगवान को जल अर्पण करते हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। काफी दूर से यहाँ पर जो है भक्त लोग भी पहुँच रहे हैं। चलिए बिल्कुल, आप बने रहिएगा कमलेश हमारे साथ में। अब ग्वालियर की ओर आपको लिए चलते हैं, जावेद खान हमारे साथ में बने हुए हैं। जावेद, आपसे जानना चाहेंगे श्रावण मास की शुरुआत आज किस दिन विशेष से हो रही है, ऐसे में शिवालयों में कितनी और कैसी तैयारियां? जो बिल्कुल, ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में भी श्रावण मास का आज पहला दिन है और उसको लेकर पूरी तैयारियां हो गई हैं। जितने भी बाबा भोलेनाथ के मंदिर हैं, शिवालय हैं, वहाँ विशेष एक रौनक देखने को आज से मिलना शुरू हो गई है। मैं इस समय अचलेश्वर महादेव मंदिर के पास खड़े हैं, बाबा अचलनाथ का यहाँ अभिषेक हो रहा है और बेलपत्र चलना शुरू हो गए हैं। हालांकि अब पहला सोमवार आएगा, लेकिन उससे पहले श्रद्धालुओं में एक अलग ही एक जज्बा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि पिंडी को विशेष तौर पर दही से अभिषेक किया जा रहा है और दूध से और शहद से भी किया जा रहा है। इस समय दही से अभिषेक हो रहा है और आप देख सकते हैं कि ये लगातार एक तरह का माहौल रहता है और श्रद्धालुओं में एक विशेष जो श्रद्धा देखने को मिल रही है। और हमारे बीच में यहाँ के जो सबसे शुरुआत हो गई और किस तरह का माहौल इस समय सुबह से देखने को मिल रहा है? हमारे मंदिर पर अचलेश्वर महादेव पर श्रावण मास में
बेलपत्री चढ़ाने वालों की जो है जो भक्तों की जो भीड़ है वो रात्रि 3 बजे से स्टार्ट होती है और दिन में 2 बजे तक यहाँ तक चलता है। अभी दिन में 2 से 4 में मंदिर बंद होगा केवल साफ सफाई के लिए, उसके बाद 4 बजे से लेकर के फिर रात्रि भर पूरा मंदिर 2 बजे तक खुला रहता है, 2 घंटे के लिए मंदिर बंद होता है। इसी तरह से पूजन अभिषेक और यहाँ पर बेलपत्र का भक्तों का नाता लगा रहता है और यहाँ पे भक्त लोग जो है अपना अभिषेक पूजन करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शिव की पिंडी या बिल्कुल मूल स्वरूप दिखाई दे रहा है, इसको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाता है, क्या सावधानियां बरती जाती है? श्रावण मास में हम लोगों की व्यवस्था रहती है कि भक्तों को मूल रूप से दर्शन हो पिंडी के, इसके श्रावण के अलावा हम लोग उस पर चांदी का जो मुखौटा है उनका उससे हम सुरक्षित पिंडी को करते हैं और उसको हम लगा करके भगवान के दर्शन कराते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अभी जो पिंडी है उसको बिल्कुल मूल स्वरूप में दिखाई दे रही है। अभी इसके ऊपर जो चांदी का कवच होता है वो इस समय नहीं है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देखिए कि जो बिल्कुल मूल स्वरूप में बाबा भोलेनाथ दिखाई दे रहे हैं और सबको साक्षात दर्शन हो रहे हैं और लोग अपनी जो श्रद्धा भाव से यहाँ पर आए हुए हैं वो देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल ही अलग ही माहौल है। किस तरीके का माहौल रहता है यहाँ? बड़ा उत्साह उमंग का माहौल रहता है, बाबा की कृपा सदैव पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के वासियों पर रहती है। आप लोग आए यहाँ किस तरीके का एक अलग फीलिंग देख रही है, मूल रूप में देखने को मिल रहा है? के महीने में सब भक्तों में बहुत जोश रहता है, सावन के महीने में सारे भक्तों में बहुत जोश रहता है, सब लोग श्रद्धा भाव से डेली आते हैं, डेली अभिषेक करते हैं उनका। बिल्कुल इस तरीके का जो माहौल आप देख सकते हैं कि एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। और ये अचलेश्वर महादेव मंदिर है, इसकी एक बहुत बड़ी ख्याति है और यहाँ पर जो तमाम तरीके के आयोजन होते हैं और श्रावण मास में तो कुछ अलग ही रौनक देखने को मिलती है, लोग आ रहे हैं। आप कब से आना शुरू होगा, किस तरह का माहौल रहेगा अचलेश्वर पर? अभी बड़ी परंपरा महिमाएं अचलेश्वर महादेव की तो काफी समय से आ रहे हैं, सावन का महीने आएंगे हम, पूरे सावन का महीना हमारा चलता है, सावन के महीने पे भीड़ रहता है खास। हरिओम हरिओम, प्रारंभ से अंत तक और अंत से अनंत तक सब कुछ शिव ही है, शिव के आगे कुछ भी नहीं है। ये अचलेश्वर मंदिर में मैं विगत 30-35 साल से आ रहा हूँ कंटिन्यू, और बाबा की इतनी बड़ी कृपा है कि मतलब बाबा के दरबार में जो भी आता है वो जो कुछ अपने लिए सोचता है सब कुछ उसका मंगल ही होता है। यहाँ पर भगवान शिव के आगे कुछ भी नहीं है, सृष्टि के पालनहार यही है, सृष्टि के कर्ता यही है, इनके आगे कुछ भी नहीं है, अंत से अनंत तक और अंत से अनंत तक शिव ही शिव। माहौल है इस तरीके का आप जो देख सकते हैं, भक्तों में भी एक अपार उत्साह, एक दीपों का प्रज्वलन भी हो रहा है और लोग अपने साथ में लेके घूम रहे हैं। क्या खास रहता है, बहुत मांगी जाती है। बाबा के दरबार में जो भी आता है खाली हाथ नहीं लौटता, बाबा सबकी झोली भरते हैं और पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के समस्त समस्त नगर वासियों को पूर्ण कर। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अभी जो बिल्कुल अलग ही माहौल देखने को मिलता है, लोग दूर दूर से बाहर से भी दर्शन कर रहे हैं, एक अचलेश्वर महादेव के प्रति लोगों की आगाह श्रद्धा है। और कुल मिलाकर भक्तों में आज के इस दिन विशेष को लेकर एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि अपनी मनोकामनाएं लेकर लोग जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो बाबा भोलेनाथ के दरबार पर पहुंच रहे हैं। जबलपुर से एक बार फिर से रुक करते हैं, संजय हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, एक लंबा अरसा हो चला है कोरोना काल के बाद, अब इस बार एक बार फिर से स्थिति सामान्य हुई है, श्रद्धालु मंदिर पर पहुंच रहे तमाम प्रतिबंधों को हटाते हुए, ऐसे में वहां के लोगों का क्या कहना है और क्या स्थिति वहां शिवालयों पर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कोरोना का काल बीता है उसको लेके जितने भी शिवालय रहे हैं, जबलपुर के शिवालय हुए, मंदिरों, सभी जगह प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन अब वो प्रतिबंध हट चुका है। चूंकि यहाँ पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं, हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थितियाँ वो देख पा रहे हैं। आप लोग हैं, आप मंदिर आए हुए हैं यहाँ पर, किस भारत सरकार